ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੈਨਤੀ ਦੀ ਢੇਰ ਸਾਰੀ ਵਧਾਈਆਂ। ਵੈਲ ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੈਨਤੀ ਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ੁਭ ਅਵਸਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਸੀ ਰੈਸਿਪੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਨੇ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਸੇ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਕਈ ਲੋਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਬਹੁਤ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਐਕਚੁਲੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਟਰਗਲ ਕੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਾਈਨਲੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੇ ਬਾਅਦ ਅਬ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੋ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਲਾ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੈ ਵੋ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣ ਮੈਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰ ਟੂ ਮੇਕ ਟੂਡੇ। ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰ ਟੂ ਮੇਕ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ। ਆਲ ਯੂ ਨੀਡ ਇਸ 3 ਇਨਗਰੀਡੀਐਂਟਸ, ਆਟਾ, ਘੀ ਔਰ ਚੀਨੀ ਐਂਡ ਆਫ ਕੋਰਸ ਪਾਣੀ, ਜੋ ਮੈਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸੇ ਯਹਾਂ ਪੇ ਉਬਾਲਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਰੱਖਾ ਹੈ। ਤੋ 3/4 ਕੱਪ ਚੀਨੀ ਔਰ 3 ਕੱਪ ਅਪ੍ਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਪਾਣੀ। तो ये जो चीनी है ये मैं पानी में डाल दूंगी और इसे डिसॉल्व होने दूंगी। जस्ट गिव इट अ स्टर एंड लेट दिस बी। तो ये हो गया चीनी। हम लेंगे 1 कप आटा और उसे मैं यहाँ एक दूसरे पैन में डाल दूंगी। ओके, अब इसे थोड़ी देर ऐसे ही भूंजूंगी एंड देन आई विल ऐड घी टू इट। बस इसे थोड़ा भूंज लेंगे। ओके, अब मैं इसमें घी डाल दूंगी। वैसे मम्मी तो घी आटे के साथ ही डालते हैं, बट समहाउ आई प्रेफर एडिंग इट अ लिटिल लेटर, क्योंकि मुझे लगता है कि ड्राई रोस्ट अगर आटे को पहले कर लो तो जल्दी वो पकने लगता है, जल्दी से उसमें खुशबू आने लगती है। तो 1 कप आटे में 1/2 कप घी। अब इसे हम अच्छे से भूंज लेंगे घी के साथ। अच्छा, कई लोग इस बात को लेके भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई कैसे पता चलता है कि जो भूंजना है वो करेक्ट हो चुका है, मतलब आपने ज्यादा नहीं भूंजा है या कम नहीं भूंजा है। वो ऐसे होता है कि ऑटोमेटिकली एक बड़ी प्यारी सी खुशबू आने लगती है और आपके पूरे घर में ना एक डिवाइन वाली फीलिंग आने लगती है। ओके, लवली, देखिए थोड़ा सा कलर किस तरह से चेंज हो रहा है। एंड इफ यू नोटिस, ये ना थोड़ा कोर्स आटा मैंने लिया है, जो मोटा आटा बोलते हैं, हलवे वाला आटा बोलते हैं, वो वाला अगर आप आटा यूज करो ना तो बिल्कुल गुरुद्वारे वाली फील आती है, तो वो ही मैंने यूज किया है। और यहाँ पे जो चीनी है वो पानी में डिसॉल्व हो गया है, तो मैं अब इस पैन को अपने पास कर लेती हूँ, क्योंकि जब पानी डालूंगी ना तो उबलेगा, सो आई वॉन्ट टू बी एबल टू स्टर इट कन्वीनियंटली। ओके, लवली कलर आ गया है, देखो दिस इज अ नाइस डार्क कलर, इट्स ब्यूटिफुल। सो नाउ इट्स टाइम टू एड द वॉटर टू इट। कॉन्स्टेंटली इसे स्टर करते रहना पड़ता है ताकि ये लम्स ना फॉर्म कर जाए। लवली, द खुशबू just beautiful, lovely fragrance. And ek bar ye ho jayega, it's going to start leaving the sides of the pan, and that's when you know that halwa pak gaya hai. Ta-da, it's done. Ye jaise hi usne sides chhod diye, bas khatam. Ek bowl mein ise pyar se puri shraddha ke sath bas serve kar lijiye. हेलो जी, साडा कड़ा प्रसाद तैयार है ना, सिंपल। एंड जब आप इसे बनाओगे और खाओगे मुझे जरूर याद करना। ओके, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। सी यू लेटर।